रामगढ़ के जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू हमारे साथ मौजूद हैं। रामगढ़ के जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखिए कि जो है रामगढ़ से कितनी तादाद में जो यहां पर पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ता, और क्या कहेंगे दादा आज का उल्लंघन महान्याय यात्रा में। आज रामगढ़ जिला समिति के द्वारा इंडिया गठबंधन के तहत न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से आज का दिशा दशा तय करेगी जिस प्रकार से केंद्र सरकार के तानाशाही सरकार में हमारे से लोकप्रिय हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया है। इस चीज को लेकर के पूरे झारखंड में पूरे आम आवाम में जनता जान चुकी है। ये तानाशाही केंद्र सरकार को काट फेंकने का हम लोग ने वादा किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में 14 सीट जीत हासिल करके हम लोग फतह करेंगे। बीजेपी तो आप लोगों को भ्रष्टाचारी कह रही है, सनातन विरोधी कह रही है। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, भाजपा जितना तानाशाही करके जो चला रहा है दुनिया जान जाहिर है। इस बार अगले पिछले दिनों का चुनाव हुआ उसका कहीं से भी सिर नहीं आ रहा है। जितना तरह से भ्रष्टाचार लिप्त है भाजपा, शायद कोई ऐसा पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को। इसलिए पूरा आज का भीड़ में आपको बता दूं कि आज का भीड़ में इसको हम लोग बता देंगे केंद्र सरकार को कि आज पूरे देश में पूरे भारतवर्ष में आज का भीड़ से हम लोग बता देंगे आने वाले चुनाव में 2024 में कहीं नहीं आएगा, 2024 में ये कहीं नहीं दिखेंगे। ये बातें कही जा रही है विनोद किस्कू की तरफ से। आप तस्वीरें देखेंगे कितने तादाद में जो है यहाँ पर कार्यकर्ता जो है प्रभात तारा मैदान में जुटते जा रहे हैं, और तमाम जो लोग आप देख रहे हैं ये सभी प्रभात तारा मैदान रैली में जो है पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए दादा? रामगढ़। क्या कहेंगे? हेमंत बाबू छोड़ाना है। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? मोदी इतना अच्छा काम किया कि मत कहिए। क्या किया? क्या किया? इतना सुंदर देश को चला रहा है मोदी जी, कहना ही नहीं है। तब फिर हेमंत सोरेन का समर्थन कैसे? हेमंत सोरेन जी राज के लिए बहुत बढ़िया थे, और मोदी जी तो अच्छा काम किए। सब चीज बेरोजगारी है। क्या कहेंगे दीदी आप लोग आए हैं आज कार्यक्रम में? हम लोग का पार्टी का गठबंधन का महाजुटान रैली है, उसी के लिए के आए हैं। क्या 14 सीट बोल रही है कि भाजपा जीतेगी? 14 सीट भाजपा जीतेगी कि जेएमएम जीतेगी, गठबंधन जीतेगी, वो तो समय ही बताएगा, पहले तो हम लोग बता नहीं सकेंगे। जेएमएम कांग्रेस को तो भ्रष्टाचारी सनातन विरोधी कह रही है बीजेपी। बीजेपी के कहने से थोड़ी होगा, बीजेपी अपना कितना सही है हमको बता दे तो। जब खुद का पार्टी का वो अपना सही नहीं है तो दूसरा वो कैसे कहते हैं कि जेएमएम खत्म कर दिया कांग्रेस को। हम लोग रामगढ़ जिला से हैं, मेरा नाम गीता देवी। तो देखिए रामगढ़ जिला से जो है सभी महिलाएं और जितने कार्यकर्ता से जो है वह यहां पर धीरे धीरे जो है जुट रहे हैं। आप तमाम कार्यकर्ताओं को देखिए किस तरीके से सभी के चेहरे पर जो है मुखौटा, हेमंत सोरेन का मुखौटा लगा के आए हैं। क्या कहेंगे जी? बोलिए। मोदी जी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं? कहाँ बढ़िया काम किए बोलिए? कुछ नहीं हुआ। कहाँ रोजगार को कहाँ मिला हम लोग को रोजगार? ये सरकार भी तो 5 लाख रोजगार देंगे। रोजगार तो मिल ही रहा है। 5 लाख बोली थी ना? 5 लाख बोली? 5 लाख नहीं तो इसीलिए तो सरकार अंदर कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर कर दिया जमीन। जमीन तो उसका पेपर दिखा दे कितना जमीन का घोटाला है। पेपर तो आया तब ना सबूत है, तब ना न्यायालय सबूत आया। अभी तक कोई न्यायालय तब ना रिमांड के लिए कोई नहीं आया है रिपोर्ट अभी। जमीन बिना कागजात के ही, बिना कागजात के पे ही न्यायालय भी गलत काम कर रही है। न्यायालय भी गलत काम कर रही है। आपको पता है कोर्ट पे अगर आप खड़ा आदेश करेंगे तो आप भी जेल चल जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जेल जाना पसंद। हाँ हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रही है। हाँ हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रही है। 14 के 14 सीट कौन भाजपा जीतेगा इंडिया गठबंधन ये तो वक्त ही पता चल जाएगा। कहाँ से? घाटों से। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।